इंदौर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इंदौर से बड़ी खबर, जहां लसूड़िया थाना क्षेत्र में फाइबर फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। तो बड़ी खबर इंदौर से, जहां लसूड़िया थाना क्षेत्र के फाइबर फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। तो बड़ी खबर इंदौर से, जहां फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग लगने के दौरान फैक्ट्री में मजदूर कर रहे थे काम, तो प्रबंधन की एक आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री में किस प्रकार आग लगी है और आग लगने के दौरान फैक्ट्री में मजदूर भी काम कर रहे थे। तो आग बुझाने के लिए दमकल की जो टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। तो बड़ी खबर इंदौर से, जहां फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। तो फैक्ट्री के आसपास में कई फैक्ट्रियां भी हैं जिसमें आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो बड़ी खबर इंदौर से। तो इंदौर से बड़ी खबर, जहां लसूड़िया थाना क्षेत्र के एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। तो आग लगने के दौरान फैक्ट्री में कई मजदूर काम भी कर रहे थे, तो लाखों को जो सामान है वो जलकर खाक हो गया है। तो बड़ी खबर इंदौर से, जहां फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तो आग लगने से फैक्ट्री का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। ये जो पूरा मामला है, ये लसूड़िया थाना क्षेत्र का है। बड़ी खबर इंदौर से, जहां फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए घटनास्थल से हमारे संवाददाता हेमंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत, फैक्ट्री में आग लगी है, मजदूर फैक्ट्री में उस वक्त काम कर रहे थे, क्या कुछ अपडेट है? मजदूरों को क्या वापस बाहर निकाल लिया गया है? क्या पूरा अपडेट है? सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र का मामला, लसूड़िया मोरिया इलाका है। तीन फैक्ट्रियों में जो है वो भीषण आग लगी थी। आग लगने के बाद दमकलों को जो सूचना दी गई थी, सबसे पहले मैं दर्शकों को आप दृश्य दिखाना चाहूंगा। यही वह फैक्ट्री थी, देखिए दमकल लगातार यहाँ पर काम कर रही है और आग बुझाने का काम है वह जो लगातार जारी है। यहाँ पर लगभग सुबह बात की जाए तो पांच ब्लास्ट हुए थे और यह पूरी केमिकल फैक्ट्री, इसके पीछे प्लाईवुड फैक्ट्री है और प्लाईवुड के समीप एक फाइबर फैक्ट्री भी बताई जा रही है जहां पर यह आग लगी थी। आप अभी भी देख सकते हैं कि जो आग है वह अंदर ही अंदर धनक रही है और उसका जो धुआं है वह बाहर आ रहा है। लोग इतने अधिक यहां पर इस धुएं से परेशान हो गए क्योंकि आसपास की जो फैक्ट्री थी वो आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि पास में एक और फैक्ट्री है वह पूरी तरह से खाली हो चुकी है। नगर निगम और दमकल कर्मचारी यहां पर लगातार लगे हुए आग बुझाने में, नगर निगम के लगभग 30 से अधिक टैंकर यहां पर जो थे वह लगातार काम कर रहे थे। बात की जाए अगर ये फाइबर फैक्ट्री की, तो लगभग 9:30 करीब कुछ जो है कर्मचारी वह यहां आए थे और शॉर्ट सर्किट उसका कारण बताया जा रहा है। इससे पहले नगर निगम के अधिकारियों से जब बात की गई तो उनका भी कहना था कि यहाँ पर दमकल को सूचना दी गई थी, नगर निगम लगातार यहाँ आग बुझाने में लगा हुआ है। सबसे पहले आपको ये दृश्य दिखाऊंगा, सबसे यह नजदीक है, देखिए यह जो जो फैक्ट्री है यह इसी तरह से धनक रही है और गर्मी के चलते यह आग की लपटों ने अब इस फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया है और पूरी तरह से यह खत्म हो चुकी है। ये देखिए दमकल अभी भी इन को बुझाने में लगा हुआ है, यह आप देख सकते हैं दमकल कर्मी जो है लगातार इस आग को काबू पाने में लगे हुए हैं और आग पर अब काबू पाया जा रहा है, जो धीरे धीरे आग पर काबू पाया जाए। लगभग 3-3.5 घंटे की यह मशक्कत है आपको दिखाना चाहूंगा। आग अभी भी कई जगह है जहां पर यह आग लगी हुई है, लेकिन दमकल अपने जो फायर कर्मी है लगातार यहाँ आग पर आए हुए और लगातार वह इस आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। नगर निगम के लगभग 50 टैंकर है वह यहाँ पर आ चुके हैं। जी हेमंत, कितने मजदूर जब काम कर रहे थे, किसी के घायल होने की कोई सूचना
जी देखिए, मजदूर जो है सभी सुरक्षित निकल गए। वो जैसे ही आग लगी, सबसे पहले इसी फैक्ट्री में आग लगी थी, यहाँ पर फाइबर बनता है, यहाँ पर वो कुछ केमिकल भी था जिसमें धमाका हुआ था, तो वहाँ मजदूर सभी सुरक्षित बाहर निकल गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार सभी मौके पर है और वह इस आग को बुझाने का काम कर रहा है। एक बार फिर दिखाना चाहूंगा कि आग के लपटे है, वीडियो जर्नलिस्ट अंकित से यह बोलूंगा कि वह आग के वो लपटे दिखा दे, कि आग की वह लपटे अभी भी विकराल है और आग इसी तरह से अभी भी अंदर फैक्ट्री में लगी हुई है। दमकल अभी नीचे के तल पर है और अब थोड़ी देर बाद दमकल के कर्मी दीवार तोड़ कर फिर अब अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इस आग पर काबू पाया जाएगा, क्योंकि आग जो केमिकल है वह केमिकल बड़ा विष था और जो ब्लास्ट थे तकरीबन 5 ब्लास्ट हुए थे इसके अंदर, इसके कारण यह पूरी आग लगी जी। आसपास आसपास फैक्ट्रियां बताई जा रही थी कि चॉकलेट की फैक्ट्रियां, क्या कुछ नुकसान होने? जी देखिए, इसके पीछे जो फैक्ट्री है उसमें भी कुछ आग ने उसको अपने आगोश में ले लिया था। एक और दृश्य दिखाना चाहूंगा मैं कि पास जो दीवारों से लगकर इस फैक्ट्री के पास एक और फैक्ट्री है, वहां पर भी जो धुआं है वो लगातार निकलते जा रहा है और अब ये जो धुआं है यह विकराल रूप ले रहा है। इस धुएं को कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा रहा है, लेकिन पूरा यह जो इलाका है वो खाली करा दिया गया। इसके पीछे प्लाई फैक्ट्री वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी, प्लाई में बहुत ज्यादा केमिकल था तो वह पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। और उसके बाद इसको यहाँ पर कुछ लोग मौजूद, उनसे बात करें क्या जानकारी थी और किस प्रकार से आग लगी थी? आग लगी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये फाइबर केमिकल की फैक्ट्री है तो फाइबर में तो आग लगेगा, केमिकल में आग लगेगा तो संभावना रहती है। कितने बजे घटना थी? आइडिया नहीं, मैं अभी आया हूँ आपको। अच्छा, बाकी प्लाईवुड की पड़ोस में भी आग लग गई है। आग लग गई है। अच्छा, अभी भी आग तक काबू नहीं पाया गया अभी दिख रहा है जो? हाँ, अभी भी आग तक काबू नहीं पाया है। अच्छा, तो बिल्कुल यहाँ जो कश्मीर के हम बता रहे थे आग पर अभी भी काबू नहीं पाया गया है। आसपास की जो इलाका है जहाँ पर फैक्ट्री में कर्मचारी थे उन्हें खाली करा दिया गया है। धुआं बड़ा यह केमिकल का धुआं उसमें बहुत ही नुकसानदायक और यहाँ पर लोग चेहरे पे मास्क लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं लगातार यहाँ पर। जी जी जी, तो तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका, बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर इंदौर से, जहां आग लगने के दौरान दमकल की गाड़ियां जो है वो आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं और फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और सभी मजदूरों को कुशलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है। तो बड़ी खबर इंदौर से, बड़ी खबर इंदौर से जहां फैक्ट्री में भीषण आग लगी है।